स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ के बारे में बताया था बेटा, और उसी के आगे हम पुनः प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं। तो आपका क्लास 12 फिजिक्स और यह हमने आपको बताया था। अब इसमें जो है हेडिंग आपकी है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ। जैसा कि बेटा इसमें हमने चार प्रॉपर्टीज आपको हमने बता दिया है, बिफोर लेक्चर हमने आपको बिफोर लेक्चर जो है हमने चार पॉइंट्स जो है बता दिया था। आज हम यहां से पांचवा पॉइंट स्टार्ट करेंगे। आप पांचवा पॉइंट नोट करेंगे और आज के लेक्चर के हिसाब से पहला पॉइंट है इस प्रकार। इसके ठीक पहले हमने चार प्रॉपर्टीज बता दिया। पांचवी प्रॉपर्टीज क्या है आप उसको लिखेंगे, और ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी पांचवी है। और आज के हिसाब से हम टुडे लेक्चर के हिसाब से आज का जो है पहला पॉइंट है। अब बिफोर लेक्चर के हिसाब से बेटा ये आपका पांचवा पॉइंट है। तो पांचवा पॉइंट ये कहता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलम का जो नियम होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स किसी दो चार्जों के बीच लगता है बेटा, तो वह चार्ज जो होते हैं वो पॉइंट चार्ज होते हैं, बिंदु आवेश होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बड़े चार्ज के लिए क्यों संभव नहीं है बेटा। तो पांचवा पॉइंट पहले लिख लीजिए, अभी हम समझा दे रहे हैं। लिखिए, कूलम का नियम, कूलम का नियम केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। परंतु एक्सटेंडेड चार्ज्ड बॉडी अर्थात बड़ी आवेशित वस्तु के लिए कूलम का नियम सत्य नहीं है। आप इसको समझिए,
इस पॉइंट को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। बड़े पॉइंट के लिए क्यों नहीं लगता बेटा? देखो ये बड़ा पॉइंट है, ये आपका एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड चार्ज है, ये बॉडी है, यानी बड़ी वस्तु है। इसको हम इनफाइनाइट से सपोज ला रहे हैं बेटा, इनफाइनाइट से, इसको भी इनफाइनाइट से हम ला रहे हैं, है बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत इसका आकार जो है बहुत बड़ा है, और इसको हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं, इसको चार्ज दे रहे हैं बेटा, चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, चलिए पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, इसको भी हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा इस पर क्यों नहीं सकते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो जब ये पास आएंगे बेटा, जब दोनों एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब बेटा फैली हुई चीज, बड़ी हुई चीज, बड़ी आकृति वाली चीज, और चार्ज्ड बॉडी का मतलब उस पर आवेश है बेटा, उस पर चार्ज, हमने माना दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉडी जो है बेटा इसका जो साइज है वो बड़ा है, पॉइंट नहीं है बड़ा है। तो जब ये इनफाइनाइट से अनंत आएंगे, ठीक आएंगे बेटा, तो जब पास में आएंगे तो प्लस प्लस में क्या होगा बता सकते हैं? प्लस प्लस में रिपल होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो जब प्लस प्लस में रिपल होगा, प्रतिकर्षण होगा बेटा, तो ये प्लस उधर भागेगा, उस किनारे भागेगा, और इसका प्लस इस किनारे भागेगा, दोनों में रिपल होगा, दोनों में ऐसे रिपल होगा, और फिर अंत में स्थिर हो जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज दोनों का, और दोनों में ये इसको इधर रिपल करेगा और ये इसको इधर रिपल करेगा, तो दोनों चार्ज ऐसे बॉडी में, दोनों चार्ज ऐसे भागेंगे, रिपल होंगे, और ऐसे जाकर के ऐसे एक्सटेंड हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, बहुत दूर यहाँ पे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये स्थिर हो जाएंगे, समझ में आ रहा? ये दोनों चार्ज बॉडी है, जब पास में आएंगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस प्लस में क्या होगा? रिपल्सन होगा, तो ये चार्ज इस चार्ज को इधर भगाएगा, और ये चार्ज इस चार्ज को इधर, तो बॉडी ऐसे हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी एकदम, और दोनों चार्ज जो होंगे स्थिर हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ये दोनों आवेश जो है रुक जाएंगे। तो बोलिए अब क्या होगा फिगर में बेटा, बता सकते हैं फिगर में क्या हो सकता है? ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपल होगा, तो ये चार्ज इस किनारे आ जाएगा, और ये चार्ज क्या करेगा बेटा? ये चार्ज इस चार्ज को इधर रिपल करेगा, तो ये चार्ज इधर आ जाएगा बेटा। अब बोलिए सेंटर ऑफ मास जो होगा, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र किधर भागेगा? ये चार्ज इधर भाग रहे हैं, ये भी चार्ज इधर भाग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी तो इधर जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास इधर हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। अब इस दूरी को यहां से दूरी नापेंगे बेटा, ये दूरी, ये आर लिखिएगा, आर इफेक्टिव, आर इफेक्टिव, इफेक्टिव माने प्रभावी दूरी। अब पहले दूरी क्या थी बेटा? ये दूरी यहां से, ये दूरी यहां से, अब बोलिए ये दूरी आर है। अब कूलाम रूल क्या कहता है बेटा? 1/4πε0Q1Q2 पहले इस पे लगाओ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, फिर आर इफेक्टिव लगाओ बेटा, इसको F1 मान लो। अब इस कंडीशन में लगाओ, जब चार्ज दूर हो गए, बोलो क्या हो जाएगा? 1/4πε0Q1Q2 आर इफेक्टिव, आर इफेक्टिव प्रभावी दूरी है। अब बोलिए कौन ज्यादा है इसमें, आर इफेक्टिव ज्यादा है कि आर ज्यादा? आर इफेक्टिव यहां से बेटा, आइए आर यहां से, तो आर इफेक्टिव ज्यादा है किससे? आर से। और कूलाम क्या कहता है? अगर ये आर इंक्रीज करेगा तो एफ की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी आर की वैल्यू बढ़ेगी तो एफ की वैल्यू घटेगी। तो बोलो कौन घटेगा? ये ज्यादा है, इस आर से ये ज्यादा है, तो ये कम आएगा,
ये जो है इस ये आर जो इस आर इफेक्टिव से कम है इसका मान ज्यादा आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ वन ग्रेटर देन एफ टू या एफ टू लेस देन। अब बोलिए बल का मान क्या होगा उस बॉडी के लिए, बल का मान दो आ गया, घट रहा है बढ़ रहा है, पहले स्थिति में क्या था ये था, और जब पास आए हैं दोनों चार्ज उनके बीच की दूरी वेरिएबल हो गई है, तो जब बीच की दूरी जो है वेरिएबल हो गई है बेटा बदल गई है तो फोर्स का मान भी चेंज हो गया है। अब फोर्स का मान चेंज नहीं होना चाहिए, तो जब फोर्स चेंज हो गया उसी बॉडी के लिए फोर्स चेंज हो गया तो कूलम का नियम जो है यहाँ पे लागू नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स के जो मान है इलेक्ट्रिक फोर्स के जो मान है वह चेंजेबल है, बदल जा रहा है, लेकिन पॉइंट चार्ज में नहीं बदलेंगे। पॉइंट चार्ज में क्यों नहीं बदलेंगे, ध्यान दीजिए पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश बेटा, पॉइंट चार्ज ये बिंदु आवेश है q1 q2 इस पे प्लस है, चलिए प्लस प्लस में क्या होगा रिपल होगा, जब रिपल होगा प्लस प्लस में रिपल होगा पॉइंट चार्ज में वो भी ऐसे भागेंगे, इसमें जो आवेश होगा इसमें कुछ साइज है नहीं, जब साइज है नहीं पॉइंट है तो आवेश तो उसी पे रहेगा ना, कहां दूर जाएगा, इसमें साइज बड़ी थी रिपल हो रहा था तो आवेश वहां से खिसक गया था, इसमें साइज क्या है जीरो साइज है पॉइंट है, तो अगर रिपल भी होगा तो चार्ज उसी में रहेगा, तो हम तो समझते हैं कि जो आर की वैल्यू होगी वही आर इफेक्टिव होगी, इसलिए जब दोनों मान हल करेंगे बेटा इसमें जो आर एफ आर आएगा और आर इफेक्टिव आएगा यानी एफ वन जो आएगा और एफ टू आएगा वह सेम आएगा इक्वल आएगा, तो पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स का मान कूलम फोर्स का मान चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी में बड़ी वस्तु जो आवेशित हो अगर उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स का मान निकालें कूलम फोर्स का मान निकालें तो वह जो फोर्स होंगे दो कंडीशन के रूप में आएंगे और दोनों का मान अलग अलग होगा। हम कह सकते हैं कि उसी बॉडी के लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वह चेंज हो रहा है और हमें चेंज नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये जो बॉडी होगी ये जो स्थिति होगी ये जो कंडीशन होगा ये कूलम के नियम का फॉलो नहीं करेगा, और ये जो कंडीशन होगा जो पॉइंट चार्ज है बिंदु आवेश है ये जो है कूलम के नियम को फॉलो करेगा, क्योंकि अगर वो पास भी आएंगे अगर वो इनफाइनाइट से पास भी आएंगे तो अगर चार्ज रिपल भी होगा तो वो पॉइंट चार्ज है बिंदु आवेश है तो वह आवेश वहीं पर रहेंगे, दूर नहीं जाएंगे अलग नहीं होंगे उसी पर रहेंगे, तो जो दूरियां होंगी आर इफेक्टिव दूरी और जो आर होगी वो सेम होगी नहीं बदलेगी, सेंटर ऑफ मास इस कंडीशन में नहीं बदलेगा, पॉइंट चार्ज है इस हालात में इस स्थिति में इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वह इक्वल आएगा नहीं बदल सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कूलम का जो रूल है जो कूलम का जो लॉ है वह केवल पॉइंट चार्ज के लिए है, और आवेश जो स्थिर होगा आवेश कैसे स्थिर है जब रिपल होगा तो ऐसे रिपल होगा ऐसे भागते जाएंगे कैसी स्थिति आएगी ये चार्ज क्या हो जाएंगे रिपल फोर्स से एकदम स्थिर हो जाएंगे ये चार्ज स्थिर हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रूल है ये पॉइंट चार्ज के लिए और जो चार्ज होंगे वह स्थिर होंगे। तो इतना जल्दी लिखें तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, समझिए कि ये पॉइंट बहुत ही प्यारा है कंपटीशन की दृष्टि से, आप समझ गए होंगे इसको, आप जल्दी नोट करें इस पॉइंट को। तो उसके नीचे थोड़ा लिखे इस प्रकार जब वस्तु आवेशित हो और इसका आकार बड़ा हो और
से पास मिलाया जाए, अनंत से पास मिलाया जाए, तब इन दोनों आवेशों के प्रतिकर्षण के कारण ये दोनों आवेश एक दूसरे से दूर जाएंगे, जिससे आवेशित वस्तु का द्रव्यमान केंद्र, बदल जाएगा और इस स्थिति में प्रभावी दूरी इफेक्टिव डिस्टेंस, का मान बढ़ जाता है, जिससे कूलॉम फोर्स, कूलॉम बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, का मान परिवर्तनशील हो जाता है, अर्थात यह स्थिति कूलॉम के नियम को फॉलो नहीं करती है, यदि आवेश बहुत छोटा हो और दोनों आवेशों को पास में लाया जाए, तब उनके प्रतिकर्षण बल के कारण, बीच की दूरी स्थिर रहती है, क्योंकि आवेश पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ही रहता है, जिससे इसके बीच की दूरी बदल नहीं पाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स का मान स्थिर रहता है, आज का पॉइंट नंबर दो, बिफोर जो है टुडे पॉइंट टू है, और बिफोर पॉइंट क्या रहेगा, बिफोर पॉइंट सिक्स। अब ये क्या होता बेटा, अगर ये दो चार्ज हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, और अदर चार्ज हैं Q3 है, Q4 है, ये तमाम है, Qn है, Q5 है, अगर इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है बेटा, Q2 Q1 पे फोर्स लगाए या Q1 Q2 पे लगाए, तो Q1 Q2 पे लगाए चाहे Q2 Q1 पे लगाए, तो जो फोर्स लगेगा अगर इन चार्जों को उनके आसपास रख दें, तो
इनके इलेक्ट्रिक फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बेटा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, दो चार्जों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर उनके आसपास अदर चार्ज रख दिया जाए, अन्य आवेश रख दिया जाए, तो उनके इलेक्ट्रिक फोर्स पर, उनके विद्युत बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जब कोई भी बल अन्य बल से प्रभावित न हो बेटा, कोई अन्य बल से दूसरा बल प्रभावित न हो, तो वहां पर हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आप इसको कैसे समझेंगे बेटा, ये इस पे फोर्स लगाएगा बेटा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इधर इस पे लगाएगा, इस पे भी लगा सकता है, तमाम इस पे फोर्स लगाएंगे बेटा, लगाएगा ना। तो इन दोनों पे जो बल लग रहा है, इनके कारण उस पे कोई प्रभाव न पड़े, तो वहां पे हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। ये सिद्धांत कहता है कि जो यंग नेट आएगा, परिणामी बल आएगा, सभी बलों को जोड़ दीजिए, इसके कारण बल अगर F1 है तो F1 लिख दीजिए, इसके कारण जो है F2 है तो F2 लिख दीजिए, F3 लिख दीजिए, F4 लिख दीजिए और डैश डैश क्या लिख दीजिए, Fn। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेक्टर भी लगा सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत कब लगाया जाता है, यानी दो चार्जों के बीच अगर बल लग रहा है और इसके आसपास अगर हम अदर चार्ज रख दें, तो ये बल इन बलों से प्रभावित न हो, कोई प्रभाव न पड़े, तो हम वहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन लगा सकते। लिखिए, यदि दो आवेशों के आसपास मल्टीपल चार्ज, यानी अधिक से अधिक चार्ज, मल्टीपल चार्जेस का मतलब क्या हो बेटा, अधिक चार्ज, मल्टीपल चार्जेस रख दिया जाए, तब उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस स्थिति में हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। और यह सिद्धांत, यह कहता है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला नेट बल, परिणामी बल, अन्य आवेशों के कारण उन पर लगने वाले बलों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार कूलॉम का नियम अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है, लिख लिए होंगे। तीसरा पॉइंट आज पूरे
टुडे का ये तीसरा पॉइंट है। आप बिफोर जो होगा बेटा, बिफोर लेक्चर जो है कितना हो जाएगा, सातवां पॉइंट। देखो बेटा, अगर दो चार्ज हैं, दो चार्ज के बीच अगर कोई माध्यम रख दे, बेटा जैसे ये डस्टर रख दे, तो उनके बीच जो फोर्स होता है घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। अगर ये चार्ज है बेटा, ये चार्ज Q1 है बेटा और ये Q2 है, और इसके बीच हम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्या है डाई, पढ़ाए हैं आपको, बताए हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, रखते बेटा, तो इनके बीच जो क्या है, इनके बीच जो फोर्स लगेगा दोनों आवेशों के बीच, पहले से घट जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। और इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या बेटा, के, कैसे घट जाएगा ध्यान दीजिए। दोनों चार्ज प्लस है, दोनों सेम चार्ज है, क्या है, और बाई इंडक्शन पढ़ा चुके हैं, बाई इंडक्शन मेथड क्या कहता है। अगर ये प्लस है बेटा, प्लस है, पढ़िए देखिए, प्लस और प्लस रिपल्सन होगा, ये Q2 इसको इधर रिपल करेगा, ठीक, Q1 जो है इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ठीक, समझ आ रहा है। अब बताइए इंडक्शन मेथड क्या होता है, अगर ये प्लस है तो इसमें जो माइनस है वो इधर आ जाएगा, जो नाभिक है इसके अंदर जो नाभिक है बेटा, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो प्लस होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे बधे होंगे, नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन बधे होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन बधे हैं तो ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसी तरह ये क्या करेगा, ये चार्ज क्या करेगा बेटा, ये चार्ज क्या करेगा, ये प्लस है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बधे होंगे, ये इधर आ जाएंगे। अब बोलिए माइनस और प्लस में अट्रैक्शन होगा, क्या होगा अट्रैक्शन, ये माइनस वाला इस पे फोर्स इधर लगाएगा, इस फोर्स का नाम F इंड्यूस्ड कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, और ये माइनस इस प्लस पे इधर खींचेगा, माइनस प्लस में अट्रैक्शन होगा, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो ये इंड्यूस्ड माने प्रेरित। अब बोलिए फोर्स का मान, एक फोर्स इधर है बेटा, एक फोर्स इधर है और वो इंड्यूस्ड इधर है, तो फोर्स का मान घटेगा कि बढ़ेगा, अगर ये आधी इस तरह चल रही है, साइकिल लेकिन इधर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अपोजिट ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ये फोर्स क्या करेगा, ये इस फोर्स को, ये फोर्स क्या करेगा, अपोजिट है ना, घटा देगा, इसलिए यफ नेट जो होगा बेटा, यफ नेट से क्या होगा, यफ इंड्यूस क्या होगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा, यानी फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब डिक्रीज होगा तो इसका फार्मूला क्या करोगे बेटा, यह बराबर क्या होता है, 1/4 πε0 Q1 Q2 r2। तो ये फोर्स कैसे घटेगा, किसी भिन्न का कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा कम कर दे, या ज्यादा कर दे, ये जो है घट जाए, इसको घटाना है, तो कैसे घटेगा, जब भिन्न का ये वाला पोर्शन बढ़ाएंगे, नीचे वाला पोर्शन बढ़ाएंगे, इसका मान घटेगा। ये वैक्यूम के लिए है, किसके लिए है, ये वैक्यूम के लिए है, ये वैक्यूम के लिए है। मीडियम के लिए क्या होगा,
मीडियम के लिए बता दीजिए, मीडियम के लिए क्या होगा बेटा? तो जब मीडियम रखे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ए है, यहां फोर्स का मान क्या हो रहा है? एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, यानी फोर्स का मान अपोजिट है तो घटेगा, तो इसको घटाना है, कम करना है तो नीचे का मान बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाएंगे बेटा कैसे? 1/4πε0Q1Q2y, यहां मान को घटाना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा तो कोई कांस्टेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो यहां लिख देते हैं बेटा के, बीच की दूरी क्या है आर स्क्वायर, कोई कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो कांस्टेंट क्या मान लें, के मान लें, और ये एप्सिलॉन नॉट है, क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट 4π एप्सिलॉन नॉट, अभी बता रहा हूं मैं। तो अब देखिए के इक्वल होता है बेटा, यहां पे के लगा दीजिए, जब ये घटाना इसको कम करना है हम कुछ बढ़ाना पड़ेगा, ये कांस्टेंट लगा देंगे, के लगा देंगे। अब बोलिए जब नीचे का मान बढ़ेगा तो ये मान क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये मान घटेगा, तो के का मान बढ़ाएंगे तो ये मान क्या होगा, घटेगा। तो यानी के क्या है बेटा, वेयर के डाइलेक्ट्रिक होता बेटा, कहीं गलती लिखिए बना लीजिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप इतना लिख लिए होंगे, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आया, तो के, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, नोट में आप लिख लीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट के को हम मान लेते हैं बेटा ये एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बेटा, के को हम ऐसे भी मान लेते हैं, के को हम ऐसे भी लिख लेते हैं एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर क्या बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम, और के क्या वही है, के का भी मतलब वही बेटा, डाई इलेक्ट्रिक होता है, को बना लीजिएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये तो जानते हैं, तो यानी थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए, यदि समान प्रकृति के दो आवेशों के बीच, समान प्रकृति के दो आवेशों के बीच यदि हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, तब उनके बीच कार्य करने वाला विद्युत बल, का मान घट जाता है, लेकिन बेटा ये समझिएगा, एक पॉइंट और लिखिएगा, ये केवल प्लस प्लस में, अगर अपोजिट चार्ज रख देंगे तो मान बढ़ जाएगा, इसको हम बताएंगे अगले लेक्चर में, तो थोड़ा नोट लिखिएगा, यदि दो विपरीत आवेशों के बीच, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यदि दो विपरीत आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तब उनके बीच कार्य करने वाला विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अगले लेक्चर में बताएंगे बेटा क्यों बढ़ जा रही है, और इसको आप आराम से संयम से समझेंगे, जितने भी ये नोट हैं ये कंपटीशन के दृष्टि से बताया गया है, और ये आपके सिलेबस में नहीं है ये पॉइंट,
एक भी बोर्ड में ये सब नहीं आता है। फिलहाल हमने आपको अवगत करा दिया है, बता दिया है, और ये नीट के एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं बेटा। और आप ये भी समझते हैं, पढ़ाया जाएगा, हम पढ़ाते हैं कि अगर कोई आवेश है, दो आवेश है, उनके बीच अगर हम परावैद्युत पदार्थ रख दें तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मान कम हो जाता है, सभी लोग कहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान देना बेटा, क्या ध्यान देना, ये कम होता है जब सेम नेचर के रहेंगे तब। अगर ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस है या माइनस है, इसके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे माइका है, ग्लास है, रबर है, वुड है, इनके बीच रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मान डिक्रीज होता है, कम होता है, जैसा कि हमने बताया बेटा। लेकिन अपोजिट नेचर के रहेंगे, प्लस रहेगा एक, माइनस रहेगा बेटा, और इसके बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स रखते हैं, जैसे माइका रखते हैं, ग्लास रखते हैं, रबर रखते हैं, तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स का मान घटता नहीं है, बढ़ जाता है। इस पॉइंट को हमने लिखवाया बेटा। और ये ठीक कैसे लगा दिए बेटा, ये भी बता दें आपको, क्यों क्यों लगा है इसको, जब घटाना है किसी भिन्न को अगर घटाना हो बेटा तो कब घटेगा, उसका मान कब घटेगा, जब हर का मान, जब हर का मान बढ़ाओगे तो उस भिन्न का मान जाकर के कम होगा। अगर के ऊपर गुणा कर दिए होते तो यज का मान बढ़ गया होता, इसीलिए हमने नीचे डिवाइड किया है। जब नीचे डिवाइड करोगे तो ये मान आपका क्या होगा, बढ़ेगा, डिनोमिनेटर का मान बढ़ेगा, जिससे यज की वैल्यू जो होगी वह कम होगी। और के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक, हमने डाई इलेक्ट्रिक बताया, कहीं भूल गए होंगे डाई इलेक्ट्रिक, यहाँ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है बेटा वह है। और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को ऐसे भी लिखा जाता है, ये लिखा हुआ है, ये आपने मान लिया के बराबर, के की मान ऐसे भी लिखा जाता है, फाइनल डॉट के बराबर बेटा होता है, ऐसे मान लिया जाता है ये। तो इसलिए के बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट के को हमने ये मान लिया, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है बेटा, एप्सिलॉन क्या है, मैं लिखा कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है, एप्सिलॉन लिख दे रहे हैं, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बेटा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तीनों का मतलब देखो बेटा, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये क्या बेटा अभी लिखा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी माध्यम की विद्युतशीलता, ये सापेक्ष विद्युतशीलता है, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और ई आर और के जो ये एप्सिलॉन आर लिखा है और के, दोनों का मान सेम होता है, एप्सिलॉन आर और के का मीनिंग एक ही बेटा, ये दोनों को एक ही समझा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या उसी को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो एप्सिलॉन आर और के का मान सेम होता है, बस लैंग्वेज अलग अलग है, दोनों की मीनिंग सेम है। और हमने एप्सिलॉन नॉट के को एक नया कांस्टेंट माना है, एप्सिलॉन नॉट के को हमने एक नया कांस्टेंट एप्सिलॉन माना है, तो नोट कर लीजिए। इसके साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। ये जितने भी 7 पॉइंट्स बताए गए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप कई बार देखें, कई बार समझें, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप पुनः से कमेंट करके कह सकते हैं, बिल्कुल हम आपको पुनः बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसको कई बार, इस वीडियो को जो प्रॉपर्टीज आप नाम सुना है बेटा, उसको बहुत बारीकी से अध्ययन करिए, ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। इस प्रकार आज का लेक्चर समाप्त होता है, धन्यवाद।